डॉक्टर जी, मैंने देखा कई औरत माइग्रेन हेडेक से बहुत पीड़ित होती है। ऐसा पीड़ित होने के लिए उनमें अधिक लैंगिक कामनाएं रहना ही कारण है। माइग्रेन क्यों आता है उसको तो करेक्ट कारण हमको मालूम नहीं क्यों आता है कारण, लेकिन माइग्रेन हेडेक आने के लिए कई कारण होते हैं, लेकिन करेक्ट कारण हम तो बोल नहीं सकते। माइग्रेन के क्वेश्चन में लेडीज से क्या हो, माइग्रेन तो महिलाओं में अधिक होता है, वह भी टीनेज गर्ल्स में अधिक होता है। ऑफकोर्स बॉयज में भी आता है, वह पुरुष भी आता है, लेकिन महिलाओं में जो जवानी में रहेंगे उनमें अधिक होता है, टीनेज गर्ल्स में अधिक होता है। और माइग्रेन हेडेक क्या होता है, एक तरफ आता है, खूब आता है, आने के बाद कुछ लोग इसके चलते कम होकर पूरा हेडेक भी पाया जा जाता है। उस समय उनको नासी आ जाता है, वॉमिटिंग्स होते हैं, सिर में दर्द होते हैं, कई लोग तो ये भी लाइट को नहीं दे पाते, उनको बहुत दिक्कत होता है, माइग्रेन की वजह से बहुत दिक्कत है। कुछ लोग समझते हैं उनमें लैंगिक कामनाएं बहुत अधिक हैं, उनको सप्रेस करने की वजह से ही माइग्रेन हेडेक आता है, लेकिन जिनको टेंशन खूब होता है, जिनको एंग्जाइटी खूब होता है, जिनको स्ट्रेस खूब होता है, उनको माइग्रेन हेडेक अधिक आएगा। इसलिए माइग्रेन के हेडेक को वो सर दर्द होता है, माइग्रेन का जो सर दर्द होता है उनको कम करने के लिए क्या करना है, टेंशन को कम करना, एंग्जाइटी कम करना, एंग्जाइटी टेंशन को कम करना, करने से माइंड को पीसफुल रखना, शांतिपूर्वक रखना, तब से तो माइग्रेन हेडेक बहुत कम आता है। लेकिन लैंगिक कामनाओं को सप्रेस करने की वजह से ही आने के जैसा नहीं, लेकिन जिन जो औरत लैंगिकता के बारे में खूब सोचते हैं, उनको सप्रेस करने को कोशिश करते हैं, उस कोशिश करने की वजह से भी आने की संभावना है। वह तो ये कारण ही है, लेकिन माइग्रेन है कहने का वह तो वही कारण नहीं है, लेकिन कारण एक है टेंशन स्ट्रेस की वजह से, दबाव की वजह उसको, इसलिए माइंड को पूरा पूरा शांत रखना, पीसफुल रखना, रिलैक्स रखना। माइंड को रिलैक्स करने से टेंशन हेडेक को, जो माइग्रेन चलने हेडेक को हम कम कर सकते हैं। Multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।